क्या डाल दिया ये तुमने ऊपर से इसमें? इमली की चटनी। क्या डाल दिया? अरे वो जीप लड़खड़ा रही इधर खा पे के इलाज है। तो क्या बोला तुमने? इमली की चटनी। इमली की चटनी, इमली की चटनी भी डल गई इसमें और अब देखो आलू की टक्की। सबकी जीप लड़खड़ा रही। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो सभी को राधे राधे, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या सुन रहे थे? शिव पुराण। साथ साथ में खाना अभी बना रही है तो बन गया। हमेशा की तरह अब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है मुझे। आलू मटर की सब्जी बनी है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो? अच्छे हो? अच्छे हो। क्या कर रही? खाना खा रहे। खाना खा रहे? धूप में बैठ के खा रही है मम्मी। ये देखो आलू मटर, तो भाई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये क्या है? और अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी। मम्मी का चल रहा है यहाँ पे लंच। ये देखो गाइज, यहाँ पे मम्मी धूप में बैठी है। मम्मी का तो लंच हो गया, यहाँ साधना भी आ गई है धूप में बैठने के लिए। तो वो कड़ी रेसिपी का बताओ, क्या कह रहे हैं फिर? आप जब भी बनाएंगे ना हम बताएंगे। तो तुम मुझे जब भी तुम बनाओ ना, तुम मुझे बता देना, तो मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है? ठीक है, अगर तुम सो रहे होगे तो फिर मैं तो भी हाँ तो भी जगा देना, मैं जग जाऊंगा भाई। रूपाली को वीडियो देखनी है हमारी कड़ी रेसिपी की, बहुत कमेंट करती है। तो अच्छी लगती है हमारे हाथ की कड़ी, मतलब तुमने खाई ही नहीं है, देख के ही तुम। तो उसको रेसिपी सीखनी है ना, कैसे क्या बनाते हो तुम। तो रूपाली मैं आपसे ये पूछो ना, मतलब पकोड़ा वाली कड़ी चाहिए या सब्जी वाली? तुम जैसी बनाते हो, तुम जैसी बनाते हो, तीन कड़ी बना, तुम जैसी भी बनाओगे उसकी रेसिपी दिखा देना। ठीक है? तीन कड़ी बनाता हूं। हाँ, तो तुम जैसी भी बनाओगे उसकी रेसिपी दिखा देंगे हम। ठीक है? तो रूपाली नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे घर में कड़ी बनेगी, डेफिनेटली दिखाएंगे हम आपको कड़ी। हाँ पक्का। कहाँ जा रहा है? तैयार हो के देखो, मम्मी भी तैयार, साधना भी तैयार। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बाजार है, जा रहा है बाजार। बाजार का जाने आप? बाजार बर्तन खरीद पे जाने, हाथ कपड़ा खरीद पे, जूता खरीद पे। खरीद ले आए। तो तुम बताओ क्या खरीद पे जा रहा है? बर्तन के कपड़ा अच्छा मिल जाए वही खरीद ले। अच्छा, तो ये कहो शॉपिंग करने जा रहे बाजार। तो गाइस मम्मी और साधना दोनों जन शॉपिंग करने, अकेले जा रहे तुम लोग? मैं नहीं चलूं? तो मैं चल रहा हूं, तुम चलो। चलो तो मैं भी चलता हूँ। तो मैं, मम्मी और साधना, हम लोग तीनों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। हैं? चले जाओ। कैसे जाओ? टेम्पू से चले जाओ। चलो तो ठीक है, मैं इनको लेके जाता हूँ। मैं और मम्मी हम तीनों जाते हैं मार्केट। तो फाइनली गाइज मम्मी और साधना ने ये दो साड़ी सेलेक्ट कर ली हैं। तुम्हारा वाला सूट है? यहीं से तो टांग दिया है। यहीं से लिया था? नहीं, दूसरी जगह। वो ऑनलाइन था शायद? नहीं, यहीं से लिया था, याद ही नहीं है तुम्हें। हम लोग खरीदने आए हैं सूट। ये देखो साधना पसंद कर रही है, मम्मी भी देख रही है। जो अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा? जी वाला देख लो, दोनों को जो पसंद हो वही लेना। ठीक है? सूट ले लिए हम लोगों ने, कितने सूट लिए वो चल के घर पे ही बताएंगे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं। हमने ये चार जोड़ी कपड़े ले लिए। ये देखो ये ट्राउज़र है, इसके साथ ये शर्ट है, ये जीन्स है, इसके साथ वाइट टी शर्ट है, और एक ये जीन्स, और एक जीन्स ये, और इसके साथ ये शर्ट है। तो ये चार जोड़ी कपड़े हम लोगों ने ले लिए हैं। और इस वाली शॉप से हम लोगों ने सैंडल भी ले ली, तो यही वाली सैंडल ली हैं। ये देखो साधना पहन के देख रही। और फिर शॉपिंग करने के बाद यहाँ से मैंने खाई एक आलू की टिक्की, और देखो मम्मी ने और साधना ने पी पानी पूरी। तो मार्केट से घर पे आ चुके हैं, और ये देखो हम इतना सारा सामान लेके आए हैं, इतने सारे कपड़े। थक तो नहीं गई हैं? नहीं नहीं थकी? चलो बढ़िया है। मम्मी आज शॉपिंग करके नहीं थकी है। ये देखो ये आते ही साथ क्या कर रहे हो? भूख लग रही है, उनको खा कर गए। तो ये आते ही साथ हाथ तो धो लो। कितने धोए तुमने? देखो देखियो
बात बता, आलू मटर ही क्यों बनती है हमेशा? पापा को पसंद है, पापा के पापा और भैया की माँ नहीं बनाते हैं। तो सुन लो गाइस, राहुल और पापा की वजह से बनती है आलू मटर की सब्जी। नहीं तो दो सब्जी बनाने याद अपने लाज, तीन जन को अलग बनाओ, दो जन को अलग बनाओ। चलो कर लो तुम अपना लंच, अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे और मम्मी को भी लेके जा रहा हूँ, मम्मी भी जा रही है साथ में। खेत पे आ चुके हैं, यहाँ देखो पापा बाट मिला रहे हैं और पापा कह रहे हैं रिचार्ज कर दे। रिचार्ज करवाने हैं? जब से देख रहा हूँ मैसेज आ रहा है, क्या डाल रहा है पता नहीं क्या है, क्या है ये, कौन सी खा रही? बिनोलाई खर, दरिया चना का और चोकर। अच्छा, आने वाले टाइम में यहाँ से भैंसे कम हो जाएंगी और यहाँ पे दुकानें बन जाएंगी, तो कुछ दुकानें हम लोग अपने लिए भी खोलेंगे और कुछ दुकानें किराए के लिए, बाकी भैंसों का काम तो कम हो जाएगा यहाँ पे। पापा ने फ़ोन रिचार्ज करवा लिया है, अब देखो पापा चलाएंगे। पापा देखते हैं गाने, वो वाला कौन सा, हम लफंगे हैं। ये डॉगी बहुत देर से बैठा है, तो चलो हम इसको पिलाते हैं दूध। पहले उठाएंगे हम ये तसला, अभी ये डाल देंगे दूध, तो अब ये डॉगी वहाँ पिएगा दूध। पूछ देखो टैं डैं डैं डैं। खेत पे सारा काम हो चुका है, मतलब डेयरी का काम हो गया है, तो चलो अब घर पे चलते हैं। चलें? चलो चलते हैं। हम लोग खेत से आ चुके हैं और मम्मी देखो पापा को कपड़े दिखा रही, ये देखो साड़ी और एक और ये साड़ी। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कपड़े किस लिए आए हैं, ये आए हैं किस लिए आए तुम बता दो है? बहू के लिए, मम्मी कह रही बहू के लिए है। तो ये राहुल की शादी पक्की हो गई है, गोद भराई होनी है, तो जिस दिन गोद भराई होनी है उसी दिन ही ये कपड़े अपड़े वगैरह लेके जाएंगे। गोद भराई होनी है उसी के लिए ये कपड़े अपड़े लेके आए हैं, बाकी बस मम्मी पापा को दिखा रही हैं। वो मुझे आपका बल्ला दे दो, मैं सुबह खेलने जाऊंगा, कल संडे है। अच्छा, तो गाइस ये जब भी आता है मेरे पास ये बैट मांगने ही आता है। आज कौन मैच जीता? आज हाँ, आज तुमने खेला ही नहीं, हम तो नंबरिंग खेल रहे थे। आज नहीं खेला, मैच नहीं खेला, नंबरिंग खेला आज। और बढ़िया बाकी? हाँ सब बढ़िया, ट्यूशन में पढ़ाई बढ़िया चल रही? हाँ चलो, तो हैं कल संडे है। कल संडे है, तो कल संडे को क्या होगा? सुबह जाना खेलने। अच्छा एक बार बता, जीप क्यों फेरता है अपने होठों पे बार बार? फेरिए एक बार, देखो ऐसे जे जीप फेरता रहता है, होंठ होंठ खराब हो जाए, बड़े बड़े हो जाए। मैं वेस्ट इंडीज के आदमी नहीं रहते, उनके बड़े 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 होंठ रहते, वैसे हो जाए। ले के देखो, सुन टूट ना जाए, नहीं तो तोड़ दो मैं इतने बल्ला, टूट गाओ तो जिते से जिते बल्ला टूटे होते उते ही जो तोड़ दूंगा, ठीक है? जैसो दे रहा वैसे दे के लेके, अच्छे महंगो बल्ला है, लेदर को बैठे, ठीक है, स्पार्टन का लड्डू ले जा रहा लाई को। साधना बना रही है आलू की टिक्की और आलू देखे वो बेल के तैयार हो चुके हैं और आज फर्स्ट टाइम हमारे घर पे बनेगी आलू की टिक्की। और ये देखो इमली इसने गला के रख दी थी, तो इमली भी गल चुकी है, ये प्याज काट ली है और ये मिर्ची भी कट गई है, तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखो ताजी ताजी प्याज हमारी जो हमने छत पे लगाई थी, ये देखो हरी वाली प्याज है ये वाली, तो आज हम आप जो प्याज लिया है लहसुन, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे दिखाएंगे घर पे कैसे आप आलू की टिक्की बना सकते हो। तो साधना ने देखो पहले इतना कुछ तैयार कर लिया है, ये इमली है, ये प्याज है, ये मिर्ची है, ये आलू है, और अब आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। नवीन भाई बढ़िया? नहीं नहीं, कहे बजे कहा होगा? पिछली बार तुमने मेरा सब ऑर्डर कैंसिल कर दिया था ना, इसलिए। ओके, तो नवीन भाई अब क्या बताएं, राहुल की शादी आने वाली है हमारे भाई की, तो नवीन भाई हम लोगों को गिफ्ट भेज रहे हैं, मैंने एक बार सारे कैंसिल कर दिए थे नवीन भाई के गिफ्ट जो भी भेज रहे थे, तो नवीन भाई बुरा मान गए थे, तीन चार दिन तक इनने हमसे बात ही नहीं की थी, तो अभी नवीन भाई से बात हो रही है हमारी बड़े दिनों बाद, बात चल रही है। और यहाँ पे साधना आलू की टिक्की बना रही है, यहाँ पे मम्मी बैठी है, यहाँ पे राहुल बैठ के पबजी खेल रहा है, पबजी खेलता रहता है हमेशा। गाजर क्यों काट रखी है भाई? हलवा बनाना, गाजर का हलवा बनना है, घर की गाजर है, घर की गाजर। ओ गाइस, तो ये हमारे घर पे ही खेत पे गाजर लगी है, वही है गाजर,
तो कल इनका हलवा बनेगा। गाइस ये है आलू और देखो साधना उसकी टिक्की बना रही है, ऐसी मार्केट में मिलती है हमें गोल गोल बनाने को, आई मीन खाने को। जो 40 रुपया की नहीं है, कितने की है? जो 60 की मिला है। है? मार्केट में तो 20 की मिलती है। आओ ले लो। अबे आज ही खा के आओ, का ले लो। आओ सुबह इतनी सी हती, इतनी सी। पर चिते कौन सी हुए? आओ तो हम दे दें, ही में से आधी हम दे दें 20 की। वाह 20 की। चलो भाई देखो आलू की टिक्की बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए जो भी अच्छा लगे उसमें डालते जाओ। क्या बोलते ऐड कार्ड में, ड्राफ्ट में नहीं, ड्राफ्ट नहीं होता वो भी ड्राफ्ट होता है, ठीक है। हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं, डालते ही ड्राफ्ट में हैं, काय में डालते ही ड्राफ्ट में, ड्रॉप में डाल रहा। हाँ ड्राफ्ट होता है। मैंने ली आलू की टिक्की, इसमें तलने लगी है, फ्राई होने लगी है, आलू की टिक्की बनना स्टार्ट हो गई है। देखिए बस कलर नहीं है ना, वो फिर वो वैसे मिठाई वाला कलर डर गया तो अच्छी लगती है। क्या डाल दिया है तुमने ऊपर से इसमें? इमली की चटनी, चटनी। क्या डाल दिया? अरे वो जीप लड़खड़ा रही थी, खावे की लाज है। तो क्या बोला तुमने? इमली की चटनी। इमली की चटनी, वाह इमली की चटनी भी डल गई इसमें। और अब देखो आलू की टक्की। अरे गाइस मेरे मुंह से भी टक्की निकल गई, टट्टी टक्की। अरे मेरे मुंह से धोखे से टट्टी निकल गई। तो गाइस देखिए आलू की टक्की तैयार है और इसमें नमक भी डाल दिया साधना ने ऊपर से, बढ़िया है। गाइस आलू की टक्की बन के तैयार है, हमारे घर पे बनाई है साधना ने और ये देखने में बिल्कुल लग रही है मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। और मम्मी इसको टेस्ट करके बताएंगी कैसी बनी है। तो लीजिए और ये नमक डाल लीजिए आप। फाइनली रिजल्ट आने वाला है साधना की आलू की टिक्की का कि कैसी बनी है। भाई एक हमारे लिए भी बनाइए भाई, एक सर, और सर कितनी बना दो? ऑर्डर है आपके लिए दो ऑर्डर, दो आलू की टिक्की बनाइए। पैसा हमने दही वही सब डाल देना जो भी हो, आलू का सब। तो मम्मी ने महंगी पड़ेगी। हाँ अच्छा जितने की पड़े से बना दो, बताओ कैसी बनी? अच्छी बनी। बढ़िया, सच में अच्छी बनी कैसी? अच्छी बनी है। हाँ। चलो तो देखिए गाइस मम्मी बता रही है बहुत बढ़िया बनी है। ये देखो आलू की टिक्की तैयार है और आज का डिनर मेरा ऐसे ही सही होगा आलू की टिक्की से। और यहाँ देखो साधना बना रही है और भी, सच बताता हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। ऐसी आलू की टिक्की कभी मैंने मार्केट भी नहीं में भी नहीं खाई, इतनी बढ़िया बनी है और सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा सच बता रहा हूँ। इधर देखो, पहले इधर देखो तुम तेल में बात बना रहे, पहले इधर देखो मैं बहुत सच बता रहा हूँ, इतना सच बता रहा हूँ, सफेद सच बता रहा हूँ। ऐसी आलू की टिक्की, ऐसी ऐसी आलू की टिक्की मैंने अपनी जिंदगी में सच बता रहा हूँ कभी नहीं खाई, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया कि क्या बताऊं गाइस, सच बता रहा हूँ मार्केट में भी नहीं खाई मैंने ऐसी आलू की टिक्की। तो गाइस फाइनली साधना ने बहुत ही बढ़िया टिक्की बना दी है, मैंने खा ली है, मेरा डिनर हो गया, मैं जा रहा हूँ, साधना भी बना रही है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। रात के बज गए हैं 10:30 और आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म। वहां देखो साधना फोन चला रही है अपना, 10:30 भाई 11 बज गए। 11 बज गए, 10:53 हो गए। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली ख्याल रखो, राधे राधे। तो गाइस शांत हो जाओ। तो गाइस ये देखिए आलू की टिक्की तैयार है, ये वाली टिक्की मैं खाऊंगा, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। तो गाइस ये देखो आलू की टिक्की तैयार है, to let go of all of the nonsense that you